हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अनुज श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट, इस वीडियो में डिस्कस करूँगा क्वेश्चन नंबर 5। सीबीएसई बोर्ड ने जो प्रैक्टिस सेट लॉन्च किया हुआ है मैथ्स का, स्पेशली मैथ्स, ठीक है, इस पर मैथ्स की बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे एक ट्रायंगल गिवन है पी क्यू आर, ठीक है। इसमें एक कंडीशन गिवन है, एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू एंगल एस टी क्यू। आप देखेंगे पी आर क्यू एंड एस टी क्यू बोथ आर इक्वल। फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इफ़ एस टी डिवाइड क्यू आर इन रेशियो ऑफ 2:3, यानी जो एस टी है ये इस क्यू आर को वो कितने रेशियो में डिवाइड करती है, 2:3 में, क्लियर। देन वॉट इज़ द लेंथ ऑफ एस टी, यानी हमें एस टी की लेंथ निकालनी है, तो क्या करेंगे, देखिए लेट रेशियो बी 2:3 के, तो यानी इसको मैं लिख लेता हूँ 2:3 और ये हो गया 3:3। आगे देखिए, अब हम लोगों ने बीपीटी पढ़ा है, तो बीपीटी क्यों अप्लाई हो रही है, क्योंकि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और ये एंगल कॉमन है, तो बाई एंगल एंगल क्राइटेरियन ऑफ सिमिलरिटी, बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर, और सिमिलर है तो ये वाला ट्रायंगल इस पार्ट, ये पूरे बड़े ट्रायंगल के सिमिलर होगा, तो यानी यहाँ से हो जाएगा क्यू टी अपॉन क्यू आर, यानी ये वाला पार्ट जो होगा टी क्यू। अगर आपको पता है बीपीटी पढ़ा है आपने, तो ए बी सी उसके बाद डी और ई, तो ए ई अपॉन ई बी, ए डी अपॉन सी डी, ये पढ़ा है। और जब हम इसमें प्लस वन करेंगे तो हमें मिलेगा ए ई अपॉन ए बी और ए डी अपॉन ए सी, तो वही किया है यहाँ पे, इक्वल टू एस टी अपॉन पी आर। यानी देखिए क्या किया है, इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने क्यू टी लिया पहले, ठीक है, छोटे वाले ट्रायंगल में क्यू टी अपॉन ये टोटल क्यू आर, फिर छोटे वाले ट्रायंगल में एस टी लिया और बड़े वाले ट्रायंगल के लिए पी आर। अब देखिए क्यू टी कितना है हमारे पास, 2:3 है, क्यू आर कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करके आएगा क्यू आर, यानी 5:3 इज इक्वल टू एस टी हमारे पास है नहीं, एस टी निकालना है, पी आर कितना दिया है 20, ये कैंसिल हो जाएगा, 5×4=20 होगा, सो एस टी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा, 8 सेंटीमीटर। समझ आ गया हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।